अब बॉलीवुड के लेजेंड एक्टर सनी देओल की बेटी की शादी पर अब फाइनली चुप्पी तोड़ी है ईशा देओल ने। सनी देओल के साथ रिश्ते पर दिया है ऐसा बयान जिसे सुनने के बाद ट्रोलर्स की हो जाएगी बोलती बंद। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिली धर्मेंद्र फैमिली में एक बार फिर आ चुकी है लाइमलाइट में। सनी देओल की बेटे की शादी करण देओल की शादी में जहां हेमा मालिनी और उनकी दोनों ही बेटियां नहीं शामिल हुई, जिसके बाद एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा हो गया कि क्या वाकई 48 साल बाद रिश्ते में फिर एक बार दरार आ गया। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल, हेमा मालिनी और उनकी बेटियों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे किस्से कई सारे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दोनों भाई बहनों के रिश्तों में दरार आ गई है, तो कुछ लोगों ने हेमा मालिनी को इसका दोषी ठहरा दिया है। आपको बता दें हेमा मालिनी ने 2017 में अपनी बायोग्राफी बुक लॉन्च की थी जिसमें सनी देओल के साथ और धर्मेंद्र के साथ रिश्तों पर खुलकर बात किया था, लेकिन अब फाइनली सनी देओल की सौतेली बहन ईशा देओल ने तोड़ी है चुप्पी और ईशा देओल ने करण देओल को तो विश किया ही शादी के लिए, इसके साथ साथ सनी देओल के रिश्ते पर भी लोगों की बोलती बंद कर दिया है। सनी देओल के साथ उन्होंने कहा कि मुझे पता है मेरे पिता और मेरे भाइयों के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, मुझे दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है मैं और उन दोनों के रिश्तों के बीच में क्या है, वो सिर्फ हम लोग जानते हैं। मुझे पता है कि दुनिया हमारे रिश्ते को बहुत अलग तरीके से सोचती है और देखती है। इवन दो सनी देओल ही नहीं, वो अपने छोटे भाई बॉबी देओल के बारे में भी कहती हुई नज़र आई हैं कि देओल फैमिली में सबसे अच्छा रिश्ता और सबसे अच्छा और क्यूट बॉन्ड है बॉबी देओल के साथ, क्योंकि वो घर के सबसे छोटे हैं। इसके साथ साथ वो सनी भैया भी बहुत अच्छे और बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं। ईशा देओल ने दोनों भाइयों की जमकर तारीफ किया है और ये कहा है कि किसी के भी रिश्तों को सिर्फ और सिर्फ आप सोशल मीडिया पर बैठ कर जज नहीं कर सकते हो, सबके अपने पर्सनल रिश्ते होते हैं, इसका अपना पर्सनल बॉन्ड होता है। करण देओल के साथ भी मेरा एक पर्सनल बॉन्ड है और उनकी नई वाइफ के साथ भी। फिलहाल के लिए ईशा देओल ने यह साफ कर दिया है कि उनके और देओल फैमिली में कोई भी दरार नहीं है। हालांकि आपको बता दें जोरों शोरों से हर तरफ ये आवाजें उठ रही हैं कि सनी देओल और धर्मेंद्र के बीच में भी आ गया है रिश्तों में दरार और वजह बनी है हेमा मालिनी। फिलहाल आप क्या कहना चाहोगे ईशा देओल के इस मुंह तोड़ जवाब पे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब।